दोस्तों भारत में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको नोकिया थ्री थ्री वन जीरो नहीं मालूम थ्री थ्री वन जीरो जो फोन है ये आइकॉनिक फोन है और आज तक उसका रिकॉर्ड है इट हैज बीन द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग फीचर फोन इन इंडिया टिल डेट कोई भी उसका रिकॉर्ड आज तक तोड़ नहीं सका है जी हाँ और ये फोन कम कर रहा है इनफैक्ट कम क्या है वो भारत में दो दिन में अवेलेबल होने वाला है नोकिया थ्री थ्री वन जीरो वो छोटा सा फ़ोन जिसमें स्नेक गेम था जिसकी बैटरी दो तीन चार दिन भी चलती थी जी हाँ वो फ़ोन भारत वापस आ रहा है उसका प्राइस है थ्री थ्री वन जीरो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नोकिया थ्री थ्री वन जीरो लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए अगर लेना है तो और अगर नहीं लेना है आपने क्यों नहीं लेना चाहिए ये मैं तीन या चार रीजंस आपको दूंगा Uh, आपका माइंड आप बना सकते हैं वेदर टू बाय दिस फोन और नॉट दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे सबसे पहले मैं तो वो फोन खरीदने वाला हूं सिर्फ एक ही रीजन के लिए क्योंकि मेरे पास एक अठारह उन्नीस साल पहले वो फ़ोन था मैंने यूज़ किया था मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम के लिए वो सबसे बेस्ट फ़ोन था नियरली थ्री फोर इयर्स तो मैं सिर्फ नॉस्टैल्जिक सेक के लिए एक याद के लिए मैं वो फ़ोन लेना हूँ अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो आपने वो फ़ोन आंखें बंद करके खरीदना चाहिए तीन साढ़े तीन हज़ार ज़्यादा पैसा नहीं है और आप ये कंपेनियन फ़ोन या फिर सेकेंड फ़ोन जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है आजकल के स्मार्टफोन्स कितनी भी बड़ी बैटरी हो एक डेढ़ मैक्ममम दो दिन चलेंगे नोकिया थ्री थ्री वन जीरो जो है वो ऐसा फ़ोन नहीं है उसकी बैटरी आपको आराम से तीन चार दिन चलेगी मतलब अगर आप वेकेशन पे जाएं या बाहर जाएं आपका अडाप्टर भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका चार्ज चलता रहेगा सो एज अ सेकेंड फोन कंपेनियन फ़ोन बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए आपने लेना चाहिए थर्ड रीज़न है प्राइस प्राइस तीन हज़ार तीन सौ दस रुपये है ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए हालांकि फ़ीचर फोन्स अच्छे फ़ीचर फ़ोन्स आपको दो हज़ार ढाई हज़ार में भी मिलेंगे लेकिन नोकिया है आफ्टर ऑल वो आपने वो लेना चाहिए जस्ट फॉर द नॉस्टैल्जिक सेक। और प्राइस ज़्यादा नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बोला चौथी बात आपने क्यों लेनी चाहिए बहुत सारे लोग बड़े स्मार्टफोन से परेशान हो गए पॉकेट में डालने के बाद वो बराबर से रहता नहीं इनफैक्ट पॉकेट में कभी कभी फिट भी नहीं होता है तो वो एक प्रॉब्लम है नोकिया थ्री थ्री वन जीरो के साथ वो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वो छोटा सा प्यारा सा फ़ोन है बहुत ही कलरफुल है मॉडर्न लुक दिया है मतलब फॉर्म फैक्टर लुक एंड फील सेम है बट इट दे हैव मेड इट वेरी कलरफुल जिसकी वजह से आपने ये सोचना चाहिए फोन लेने के लिए अगर आप निकालेंगे तो लोग आपके पास जरूर देखेंगे बोलेंगे वाह कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहा है तो ये है चौथा रीजन क्यों आपने नोकिया थ्री थ्री वन जीरो लेना चाहिए और फाइनल रीजन नोकिया है स्टर्डी है आपने खरीदने के बाद ये फोन कम से कम आपको तीन चार साल आराम से जाएगा तो दैट इज द फाइनल रीजन वाई यू शुड बाय नोकिया थ्री थ्री वन जीरो अब बढ़ते हैं कि आपने ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए सबसे पहले ये स्मार्टफोन नहीं है इसके ऊपर एंड्रॉयड नहीं है ये नोकिया 30 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट करता है जो फीचर फोन के लिए ठीक है लेकिन उसके ऊपर दे विल बी नो स्मार्ट फीचर्स हाँ ब्लूटूथ है लेकिन दूसरा रीज़न आपने क्यों नहीं लेना चाहिए ये सिर्फ 2G जी फोन है इंटरनेट आप इसके ऊपर एक्सेस नहीं कर सकेंगे और अगर कर सकेंगे तो बहुत ही स्लो होगा थ्री जी नहीं है फोर जी नहीं है वोल्टी नहीं है तो अगर आप जियो सिम इस्तेमाल करने वाले सोच रहे हैं कि जियो सिम इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये थ्री जी फोर जी फ़ोन नहीं है तीसरा रीज़न ये फीचर फ़ोन है उसका स्क्रीन जो है वो टू पॉइंट फोर इंच है बहुत ही छोटा सा आ, स्क्रीन है जिनको बड़े स्क्रीन के फ़ोन अच्छे लगते हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मैंने पहले बोला कि प्राइस एक रीज़न है कि आपने वो खरीदना चाहिए लेकिन इसमें मैं वही आंसर रिपीट करूंगा कि बहुत सारे लोगों को थ्री थ्री वन जीरो ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा है मतलब जो फीचर्स उस फ़ोन पे हैं उसके लिए ज़्यादा है सिर्फ अगर आप उसके स्पेसिफिकेशंस या फ़ोन देखा गया तो कंपैरेटिव टू अदर्स इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है अगर ये दो ढाई हज़ार के बीच में होता तो मैं रिकमेंड करता था आपको लेने के लिए लेकिन जैसे मैंने पहले बोला अगर नॉस्टैल्जिक सेक के लिए आप ले रहे हैं याद उसकी जो याद है नोकिया का जो ब्रांड आपको ओन करना था तो अगर उसके लिए लेना है तो थ्री थ्री वन ज़ीरो कुछ भी नहीं है तो ये दोनों तरफ काम करता है उसकी जो प्राइस है वो और फाइनल रीज़न और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न अगर आप ये ख़रीदते हैं ऑब्वियसली आप ये सेकेंड फ़ोन करके खरीदेंगे तो दो दो फ़ोन आपको एक तो स्मार्टफोन आपके इंटरनेट एंड्रॉयड और सब स्मार्ट फीचर्स के लिए आप यूज़ करेंगे प्लस ये कॉलिंग के लिए आप य, नोकिया यूज़ करेंगे तो आपको हमेशा दो दो फोन सब जगह पे कैरी करने पड़ेंगे आप वो कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है इतने सारे एक पॉकेट में एक फ़ोन दूसरे पॉकेट में दूसरा फ़ोन वो कैरी करने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स वाई यू शुड नॉट बाय तो ये थे आपके पांच रीजंस या फाइव रीजंस व्हाई यू शुड बाय एंड थ्री फोर रीजंस व्हाई यू शुड नॉट बाय आप मुझे कमेंट्स में बोलिए आपको क्या लगता है आप खरीदेंगे अगर आप खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो क्यों नहीं खरीदेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर लाइक नहीं आपको अच्छा नहीं लगा तो हमें बताइए सो दैट अगले वीडियोज हम इससे भी अच्छे करने की कोशिश करेंगे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई अगले वीडियो तक के लिए सी यू